हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। तो ओकुल आप लोगों के लिए लाया है लक्ष 100 प्लस, लक्ष 100 प्लस, आ 90 डेज रिवीजन कोर्स फॉर योर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 के लिए। ये बहुत अवेटेड कोर्स था, बहुत सारे व्यूअर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर इस तरीके का एक कोर्स लेके आया जाए जिससे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले जिससे आप लोग चीजें क्या कर सकें कि जल्द से जल्द अपने जो आने वाला एग्जाम है 31 मई को उसके लिए रिवाइज कर सकें। तो उन्हीं सारे लोगों की, उन्हीं सारे बच्चों की, यूजर्स की रिक्वेस्ट को देखते हुए हम लोग आपके लिए लाए हैं ये लक्ष्य 100 प्लस या लक्ष्य 100 प्लस का एक कोर्स हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 90 डेज का एक रिविजन कोर्स ये रहने वाला है और इसके बारे में एक वीडियो, प्रोमो वीडियो भी आप लोगों के सामने आया था। आई होप आप सभी लोगों ने वो चीज देखी होगी कि किस किस तरीके से इसमें होगा। इसमें बेसिकली आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था, कि एक सुबह 9 बजे एक आपको क्विज मिलेगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। हर एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगेंगे, जो रेलिवेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें लगेंगे, करंट कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन से रहेंगे, तो उसी में सुबह 9 बजे क्विज होगा, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। और रात को 8 बजे जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें उन्हीं क्वेश्चंस का डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा विद प्रॉपर सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन का। तो उसमें आप देखिए, ये आज जो पहला वीडियो है डे वन का हम लेके आए हैं आपके लिए, जो सुबह आप लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया होगा सुबह 9 बजे, रिपोर्ट्स एंड इंडेसिस का जो क्विज था डे वन, पार्ट वन का जो क्विज आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसी के जो 5 क्वेश्चन थे उन्हीं को यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस समय आप लोग अपने प्रिपरेशन के, अपने रिविजन के लिए जो है बिल्कुल पीक टाइम पर है। तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं इस कोर्स से जरूर हेल्प मिलेगी और जरूर आपका जो मार्क्स है वो बूस्ट होने में, स्कोर बढ़ने में जरूर हेल्प होगी आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम 2020 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या था। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज का था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेज द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो ये पहला क्वेश्चन इंडेक्स के ऊपर था कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है। इसके 3-4 ऑप्शन यहां पर दिए गए थे। दैट द फर्स्ट वन वाज योर ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, दूसरा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या चौथा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो मैं पहले बता दूं आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट एरिया रहा है पास्ट कुछ समय से, कुछ सालों से इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारा यूपीएससी पूछते हुए आया है। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को सबसे पहले रखा है। आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, आप कह सकते हैं कि जो यूपीएससी हमेशा पूछता है, फेवरेट क्वेश्चंस है उसके, फेवरेट एरिया रहा है। तो आप इसका जवाब मुझे, आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, हमने उस आंसर्स को इवेल्युएट भी करा था कि आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं, काफी सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा पब्लिश की जाती है। दिस रिपोर्ट और दिस इंडेक्स इज बीइंग पब्लिश्ड बाय ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। हम देख लेते हैं ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के बारे में क्या है। देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो उन क्विजेज में आपको अवेलेबल नहीं है और यही चीज समझनी है क्योंकि इनसे आप देखिए यहां पर कुछ फैक्ट्स दिए गए होंगे, कुछ डेटा पॉइंट्स दिए गए होंगे और उन्हीं डेटा पॉइंट्स से ही यूपीएससी घुमा घुमा के चीजें पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में इस तरीके से आते हैं कि या तो वो सीधे सीधे आपसे ये पूछेगा कि कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, दैट इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन विच यूपीएससी कैन आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस। और बाकी जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है थोड़ा सा घुमा के रेलिवेंट है इंडिया की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, कि इंडिया की क्या रैंक रही है, इंडिया उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा है या कोई रिपोर्ट रही है तो उसका इंडिया पार्ट है या नहीं है, उसमें क्या क्या मेजर्स इंडिकेट किए जाते हैं, क्या क्या मेजर्स उसमें लिए जाते हैं, ये सब चीजें। तो इसीलिए हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के बारे में, जो पब्लिश करता है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वो कहाँ का एक सेंटर है, दैट इज द सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इसने क्या किया था, इसने कंपाइल किया था जो एनुअल 2019 की ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रैंकिंग थी और इसने ट्रैक किया है क्या 45 पैरामीटर्स। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कभी कभी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, कि 45 पैरामीटर्स को ट्रैक किया था और वो पैरामीटर्स किस से रिलेटेड थे, देवर रिलेटेड टू योर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। और इन्हीं 45 पैरामीटर्स को
ट्रैक करके ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, दैट इज योर इंडेक्स बनाया गया था, प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये उन्हीं से रिलेटेड है। इंडिया की रैंकिंग के बारे में इसमें बात करें तो 2018 में जो इंडिया की रैंकिंग थी दैट वॉज 44, 2019 में इंडिया ने 8 रैंक का छलांग लगाया, जंप करा और 36 इंडिया की रैंक हो गई थी। लेकिन इस साल की जो अभी रिपोर्ट आई है, फरवरी 2020 में रिपोर्ट आई है, रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया की रैंकिंग फिर से नीचे गिरी है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इंडिया की रैंक जो है वो पिछले 2 सालों में लगातार इंप्रूव हुई है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछता है, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वैल्यूज यहां पर डेटा पॉइंट्स फैक्ट्स इस तरीके से दिए गए हैं ताकि आप इन चीजों को यहां पर इस तरीके से समझ सकें। तो ये था एक्सप्लेनेशन पहले क्वेश्चन का। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे वॉज कि हु पब्लिशेस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इसके 4 ऑप्शन थे। इज इट यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि जिसको आप यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं, क्या ये वो है? ये यूएन की बॉडी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। दूसरा ऑप्शन था ग्लोबल पार्टनरशिप एंड एजुकेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन, क्या ये इसको पब्लिश करता है? तीसरा ऑप्शन था यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या यूनेस्को इसको पब्लिश करता है? या फिर चौथा ऑप्शन था डी, दैट वॉज योर वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही ऑप्शन आप सभी लोगों ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका ऑप्शन है सी, दैट इज यूनेस्को इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ध्यान रखिएगा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पब्लिश करता है कौन? यूनेस्को। एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं क्या है इसका। देखिए इसका जो 2019 का जो एडिशन था, यानी कि जो 2019 का एडिशन था इस रिपोर्ट का, उसमें क्या निकल के आया है कि एजुकेशन चैलेंजेस थ्रोन अप बाय माइग्रेशन, यानी कि जो लोग पलायन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एजुकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड में चैलेंजेस आ रहे हैं। और उसने ये बताया है कि जो लिटरेसी लेवल्स है रूरल हाउसहोल्ड में, यानी कि जो गांव के लोग हैं, गांव के घरों में जो लोग हैं, वहां का लिटरेसी लेवल्स जो है वो डिप कर रहा है सीजनल माइग्रेशन के साथ। सीजनल माइग्रेशन मतलब कि सीजन की वजह से जो लोगों को पलायन करना पड़ता है, जो उनको एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाती है थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द सीजन, तो वो एम्प्लॉयमेंट की खोज में वो इधर उधर चले जाते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रूरल हाउसहोल्ड्स है वहां पर लिटरेसी का लेवल कम हो रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 80% ऑफ द सीजनल माइग्रेंट चिल्ड्रन जो है 7 सिटीज में, जो 7 शहर है, उनमें जो 80% सीजनल माइग्रेंट चिल्ड्रन है उनको एक्सेस की कमी है, दे लीड द एक्सेस टू एजुकेशन, उनको एजुकेशन की कमी है। और 40% जो है दे एंड टू दे लाइकली टू एंड अप इन वर्क, यानी कि जो 40% है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि उनकी एजुकेशन का लेवल बहुत कम है और वो ऐसा हो जाएगा कि वो लोग क्या करेंगे कि वो कुछ समय के बाद फिर जॉब करने लगेंगे और अपनी एजुकेशन का जो लेवल है वो काफी कम रह जाएगा उन लोगों का। तो इससे एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत नुकसान है कि एजुकेशन अगर लोगों की पूरी नहीं होगी तो उनका जो जॉब वगैरह वो लोग करेंगे, जो एंड अप इन वर्क वो लोग होगा, वो उतना ज्यादा क्वालिटी का वर्क नहीं होगा, तो फिर वो लो ग्रेड्स के वर्क करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो एक छोटे तबके के वर्कर्स वगैरह बन जाते हैं। तो उससे जो देश की इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो रिपोर्ट है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, कौन पब्लिश करता है ये ध्यान रखिएगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको भी बड़े अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था अबाउट द आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स? क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या फिर वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, या फिर इट इज द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN, और या फिर वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, दिस इज योर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स इसके बारे में। ये जो पब्लिश करती है, इट इज पब्लिश बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन सिंस 2009। तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती आई है, इस इंडेक्स को पब्लिश करती आई है, कब से? 2009 से। ध्यान रखिएगा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ये है कि जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी है, जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है इंडिया की 2018, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि इंडिया इसमें आना चाहती है टॉप 50 में। कब तक? बाय 2022 तक इंडिया ने ये चाहा है कि इंडिया इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में टॉप 50 में आ जाए। और इंडिया की जो रैंकिंग है अभी वो 2017 में जो रैंकिंग थी वो 134 थी, और 2016 में जो रैंकिंग थी इंडिया की वो 138 थी।
ठीक है, ध्यान रखिएगा 2019 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, 2018 में यह रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 2018 में यह रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इस इंडेक्स को बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स कह सकते हैं या कुछ इंडिकेटर्स कह सकते हैं आप, उनमें चेंज किया गया था, ठीक है, लेकिन उनमें कुछ फ्लॉज आ गए, उनमें कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उसकी वजह से इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया। अब 2019 की जो रिपोर्ट बनेगी, इस साल जो 2019 की रिपोर्ट आएगी, उसमें पुराने जो इंडिकेटर्स थे उन्हीं का यूज करके, जो ओरिजिनल इंडिकेटर्स थे उन्हीं का यूज करके ये रिपोर्ट इस साल पब्लिश की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 2018 में ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, और 2019 में जो रिपोर्ट पब्लिश होगी, 2019 की जो रिपोर्ट पब्लिश होगी अभी इस साल, वो पुराने पैरामीटर्स को लेकर या पुराने इंडिकेटर्स को लेकर ही की जाएगी। और 2017 के मुकाबले अगर हम बात करें, 2016 के मुकाबले 17 में बात करें, तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 134 इंप्रूव हुई है, यानी कि 138 थी वो 134 पे आ गई है, तो इंडिया ने 4 पोजीशंस की इसमें रैंक अपनी इंप्रूव करी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन रहा है आज के दिन का, वो था कि सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स STRI कौन पब्लिश करता है, इसको कौन पब्लिश करता है, क्या ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या ये वर्ल्ड बैंक है, और या फिर ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज WEF। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा है बी, यानी कि इसको पब्लिश करता है OECD। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, और इसके जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो ये देख सकते हैं, ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था 2014 में, 2014 में ये लॉन्च हुआ था, और इसका जो इंडेक्स है वो क्या काम करता है, ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन रेगुलेशंस अफेक्टिंग ट्रेड इन सर्विसेज इन 22 सेक्टर्स में ये आपको रेगुलेशंस इफेक्ट करने के लिए जो ट्रेड होते हैं, जो ट्रेड को इफेक्ट करने वाले रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है अक्रॉस ऑल OECD मेंबर कंट्रीज एंड OECD कंट्रीज, तो है 36 OECD कंट्रीज है, ध्यान रखिएगा 36 प्लस 9 इसमें अदर्स भी हैं, और वो 9 अदर्स कौन कौन से हैं, ब्राजील, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोस्टारिका, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, द रशियन फेडरेशन एंड साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ ये OECD द्वारा पब्लिश की जाती है, लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ OECD यानी कि जो OECD मेंबर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये 36 प्लस 9 यानी कि टोटल 45 मेंबर्स कंट्रीज में जो है ये एक तरीके से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इंडिया ने 2018 में ये देखा था कि इंडिया ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी कि जो करंट मेथड यूज हो रहा है OECD रैंक जो कंट्रीज को रैंक कर रहा है उनकी सर्विस ट्रेड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, तो इंडिया ने थोड़ा सा उसके खिलाफ क्या करा था, कुछ आवाज वगैरह इस पर रिलेटेड उठाई थी, तो इसलिए ये जो इंडेक्स है STRI दैट इज सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट एवर सेफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिसेंटली किसने लॉन्च किया था, ए नीति आयोग, बी इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और या फिर डी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कौन सा सही आंसर है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आइए जल्दी से, एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो फूड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बनाया गया है ये क्यों बनाया गया है, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, और इसके बेसिस पे क्या किया जाता है कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ध्यान रखिएगा स्टेट्स भी इंक्लूडेड है और यूनियन टेरिटरीज भी है, ये नाम यहां पर सिर्फ स्टेट दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है, दोनों इंक्लूडेड है, और ये किन 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस बेस करती है, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, दूसरा है कंप्लायंस, तीसरा है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, फोर्थ वन इज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और फिफ्थ है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये 5 बेस पॉइंट्स हैं या फिर ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो मेजर्स हैं उनको मापा जाता है इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। और जो 2018-19 का जो इंडेक्स आया है उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ध्यान रखिएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ने टॉप किया है, विच रिकॉग्नाइजेस द एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स फूड बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स इन प्रमोटिंग फूड सेफ्टी इन 2018 एंड 2019। तो ये हो गए आज के 5 सवाल, कल के 5 सवाल के साथ फिर हम आपको मिलेंगे, सुबह आपको क्विज मिलेगा 9 बजे,
प्लीज जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्विज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिर्फ आपको 5 सवाल अटेम्प्ट करने में मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, और शाम को भी इसी तरीके से हम 15-20 मिनट का रोज एक वीडियो करके उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देखेंगे, और ये लोग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ओकुल की वेबसाइट पर जाके लॉग इन कीजिए, एनरोल कीजिए इस कोर्स को, और इस कोर्स को प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आप लोगों के लिए आने वाले हैं अभी आगे। आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक सीसेट का कोर्स आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आप लोगों के रिविजन के लिए, तो उस पर भी हम पूरा सा एफर्ट कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोर्स को एनरोल कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी पता लगे कि कुछ इस तरीके का रिवीजन का मार्केट में चल रहा है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर या कोई भी डाउट है या कोई भी कमेंट है तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमसे कोई भी अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, कोई फीडबैक आपको अगर देना है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, और या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट के थ्रू, या फिर हमसे आप बात कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी। तो बहुत जल्द मिलते हैं कल को सेम टाइम अगले नए 5 क्वेश्चंस के साथ, तब तक टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज सुबह 9 बजे के बाद कभी भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, कल जो आपको सुबह लाइव मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।